हरे कृष्णा, आज का पिक अ कार्ड रीडिंग टॉपिक है रिगार्डिंग योर विश। तो मैंने यहाँ पे दो डेक रखे हैं। पहला डेक है डेस्टिनी प्लान्स, तो हम देखेंगे कि इसके रीजंस क्या क्या हैं। और सेकेंड डेक है गॉड, तो हम देखेंगे कि इसके भी रीजंस क्या क्या हैं। तो आपको जो डेक पसंद है, जो आपको अट्रैक्ट करता है, वो आपको चुनना है। और फिर हम बाद में देखेंगे कि इस डेक में क्या रीजंस हमें मिलते हैं। तो देखते हैं डेक नंबर 1, डेस्टिनी प्लान्स। तो अगर आपने ये डेक चूज़ किया है तो देखते हैं इसके रीजंस क्या क्या हैं। विश, तो आपकी विश कंप्लीट होने वाली है या कंप्लीट होते आ रही है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव अफर्मेटिव कार्ड है आपके लिए, आपके विश के लिए और ये आपके सपोर्ट के लिए। डू सम फन, तो आपको ज़िंदगी में फ़न करना चाहिए, आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें लाइफ में होने वाली हैं। एक्साइटेड, काफ़ी एक्साइटेड हैं आप अपनी विश को लेके, और इससे आपकी लाइफ में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। एडवेंचर, तो आप कोई एडवेंचर करना चाहते हैं और इसका पूरा मज़ा आपको मिल सकता है। रे ऑफ होप, तो पॉजिटिविटी आपको चाहिए और पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। टॉक टू यूनिवर्स, तो आपके दिल में जो भी आ रहा है वो आप बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारा सुकून मिल सकता है। एन्जॉय लिटिल थिंग्स, तो लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो आपको गंवानी नहीं है, वो आपको मिल सकती हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। लाइफ इज़ अ राइड लाइक रोलर कोस्टर, तो कभी लाइफ में हमें रोलर कोस्टर टाइप सफ़र करना पड़ता है, तो ये भी आपके लिए अच्छा साइन है। स्पेशल ऑफ़र, तो आपके लिए कोई स्पेशल ऑफ़र है, कुछ स्पेशल चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं या फिर होने वाली हैं, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ पे पड़ सकता है। रिफ्रेशमेंट, तो नेगेटिविटी से काफ़ी दूर निकल आए हैं आप और अभी आपके लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव ही होने वाला है। जस्ट बी योर सेल्फ, तो आप जैसे हैं वैसे रहे, इससे आपको काफ़ी सारी खुशी मिल सकती है। अब देखते हैं डेक नंबर, अब देखते हैं ओरेकल, दी एंड ऑफ ट्रबल्स। तो जो भी तकलीफ है आपने सही है, उसका अभी बस एंड होने ही वाला है, तो परेशान ना होइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। लीप ऑफ फेथ, तो आप भरोसा रख के आगे बढ़ रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। डेस्टिनी, तो आप डेस्टिनी को मान रहे हैं और डेस्टिनी के अनुसार ही आपके जीवन में चीज़ें घट रही हैं, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल होने होंगे और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में हो सकता है। गुड न्यूज़, तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें खबरें आपको मिल सकती हैं और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस अच्छी हो सकती है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बेस्ट है, वही आपको मिल रहा है, मिलने वाला है, तो बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अस्टेबल फ्यूचर, तो नेगेटिविटी दूर जा रही है और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अस्टेबल फ्यूचर, वो आपको मिलने वाला है, बस आपको थोड़ी सी राह देखनी है। फेट, तो आपका नसीब के ऊपर विश्वास है और ये नसीब आपको सब कुछ या बहुत सारी चीज़ें दिला सकता है। कंप्लीशन, तो आप एक कंप्लीशन फेज की तरफ आ रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी सारी मदद हो सकती है। डिज़ायरेबल आउटकम, आप जो आउटकम सोच रहे हैं अपने लिए, तो उसी तरह का आउटकम आपको मिल सकता है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। विनिंग, तो नेगेटिविटी से दूर आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है आपके लिए अचीवमेंट्स, तो जो आप सोच रहे हैं वो आप 100% पा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। अब देखते हैं डेक नंबर 2, गॉड। तो पहला कार्ड है आपके लिए लक, तो लक आपके साथ है और ऑलमोस्ट जो आपकी विशेस है वो कंप्लीट हो रही है या होने वाली है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। ऑलमोस्ट रिच, आप वहाँ तक पहुँच गए हैं, बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। सरप्राइज, तो काफ़ी सारी सरप्राइजेस आपकी राह में वेट कर रहे हैं, आपको बस ध्यान देना है और थोड़ा सा वेट करना है, थोड़े पेशेंस दिखाने हैं। चॉइसेस, तो काफ़ी सारी चॉइसेस आपके हाथ में हैं, बस आपको उनके ऊपर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। इनमें से कई सारे चॉइसेस आपके लाइफ में हो सकती हैं। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो लाइफ बहुत सुंदर है और इसका अनुभव आपको जल्दी ही मिल सकता है। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ड्रीम लैंड, तो मानो सपनों की दुनिया है, उसके आप सफ़र कर रहे हैं और एक काफ़ी अच्छा सुकून भरा जीवन आप जी सकते हैं। लेट गॉड डू इट, तो आप भगवान भरोसे हैं और भगवान के ऊपर अपनी चीज़ें छोड़ी हैं, तो जैसे ही समय आगे आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी विश पूरी होने वाली है। एंजॉय, तो लाइफ में आपको एंजॉय करना है और आगे बढ़ना है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना है ठीक तरीके से,
और फाइनल कार्ड है आपके लिए मेडिटेशन। तो आपको मेडिटेशन करना है, भगवान से आपको योग करना है और इससे आपको काफ़ी सारी मदद मिल सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, पॉजिटिव एंडिंग्स। तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें, अफर्मेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं जिसका काफ़ी अच्छा नतीजा आपको मिल सकता है। ऑनर, तो प्रेस्टिजियस कार्ड आ गया आपके लिए, तो आप ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो अगर फाइनेंस रिलेटेड कुछ है तो वो भी आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। सक्सेसफुल, तो आप सक्सेसफुल होने ही वाले हैं, बस आपको थोड़ी सी वेट करनी है। स्टेबल, आपको लाइफ में स्टेबल फ्यूचर चाहिए और ये स्टेबल फ्यूचर आपके लिए बन रहा है। ग्रोथ, आपकी अच्छी तरीके से पॉजिटिव तरीके से लाइफ में ग्रोथ हो रही है जिससे आपको काफ़ी सारा सुकून मिल रहा है। अचीविंग गोल्स, तो जो भी आपने ध्येय अपना बनाया है उस तरफ आप पहुंच रहे हैं, तो ये भी एक सकारात्मक कार्ड है। पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो आप पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और इसी तरीके का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में हो सकता है। हैप्पीनेस, तो आपको हैप्पीनेस चाहिए और हैप्पीनेस आपको मिल रहा है। वेल्थ, तो अगर आप वेल्थ की ख्वाहिश कर रहे हैं तो वो भी विश फुलफिल हो सकती है। विक्ट्री, तो सभी निगेटिविटी के ऊपर आपने विजय मिलाया है, आपको सक्सेस मिल रहा है, तो एक अच्छी बात है। फाइनल कार्ड है आपके लिए ऑल इज नॉट एज बैड एज यू थिंक इट इज़। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसे कुछ निगेटिव नहीं है, आपके लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव बातें ही होंगी। तो एक है रीडिंग आपके लिए, आई होप दैट रेजोनेट्स विथ यू।